सभी मित्रों को नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी के अंचल में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन दवा लेके आया हूँ जो बहुत ही सस्ती है। ये बहुत से भाई लोगों के अंदर एक भ्रम ये बैठा हुआ है कि जो धात और स्वप्न दोष की दिक्कत होती है ये हस्त मैथुन करने की वजह से ही होती है। तो आज मैं इस भ्रम को भी दूर करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में काट काट के मत देखिएगा, ये आपकी जानकारी के लिए ही है, ठीक, ताकि आपको सही जानकारी हो, ठीक। चैनल बनाने का उद्देश्य ही मेरा यही है कि जितने भी मरीज हैं वो भाई लोग ठीक हों। और मेरी भगवान से भी ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि जितने भी मेरे दोस्त सब्सक्राइबर हैं और जो भाई सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं चैनल, उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नहीं भी जो सब्सक्राइब किए हों तब उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना है कि वो इधर उधर भटके ना, यही मेरी प्रार्थना है कि वो भी ठीक हों, किसी न किसी तरीके से वो चाहे जहाँ इलाज करवाएं भगवान उनको इस बीमारी से बचा के रखें। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो होते हैं आजकल मोबाइल में, सबसे ज़्यादा लोग सर्च इसी चीज़ की बीमारी के लिए करते हैं कि धात का इलाज क्या है और धात के लिए नुस्खा क्या है, ठीक। वो सेक्स की बात तो अलग हो गई, टाइमिंग के लिए और वीर गाढ़ा करने की वो बात अलग है, सबसे पहले धात की ही प्रॉब्लम पे आते हैं, क्योंकि वो अगर नहीं ठीक होगी तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं इतनी जल्दी ठीक हो सकती है। तो कुछ भाई का मानना है कि केवल हस्त मैथुन करने की वजह से ही धात होता है, तो देखिए ऐसा नहीं है। मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने कभी कभी भी हैंड प्रैक्टिस नहीं किया, वो ये यहाँ तक पूछते थे कि ये सब करने से क्या होता है। उनकी शादी हुई, कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी शादी हुई, शादी के बाद उनको ये बीमारी हुई। बहुत से भाई हैं जो हस्त मैथुन करने की वजह से भी हुए, लेकिन आज मैं कारण बता दे रहा हूँ। देखिए धात हस्त मैथुन करने की वजह दो, देखिए इसके खिलाफ तो मैं हूँ, ठीक, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल के एलोपैथ डॉक्टर देखिए सब अलग अलग तरीके का अपना अपना अनुभव बताते हैं, ठीक। अब कुछ डॉक्टर तो यही कहते हैं कि उसको हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार करना चाहिए, लेकिन देखिए प्राचीन समय में अगर जाइए आप तो किसी भी वेद शास्त्र में, किसी भी उसमें जो भी आयुर्वेद के ऋषि मुनि जितने हुए हैं, किसी ने आज तक इस चीज़ का जिक्र किया ही नहीं है कि हस्त मैथुन करना अच्छा है। उन्होंने केवल वीर को रोकने के लिए बताया है, ठीक, अपने वीर की सुरक्षा ब्रह्मचर्य का ही पालन करने के लिए बताया, किसी ने नहीं। और आजकल के डॉक्टर जो है उनसे बड़े नहीं हो गए हैं, ठीक है। जितनी भी दवाएं चल रही हैं सब उस प्राचीन समय की ही दवाएं हैं, लेकिन हम लोग क्या हो रहे हैं, एलोपैथ डॉक्टरों के चक्कर में पड़ के भूल जा रहे हैं, ठीक। और एलोपैथ में इसका इलाज नहीं है, है एलोपैथ में इलाज किन कारण से धात होती है उन कारणों का इलाज मैं बता रहा हूँ एलोपैथ में। देखिए बहुत से भाई लोग ज़्यादातर नशा कर लेते हैं, तम्बाकू ड्रिंक ये सब चीज़ें, देखिए शुरू में नहीं पता चलता है उसका असर, जिस तरीके से हस्त मैथुन का असर पहले नहीं पता चलता है। तो बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा नशा कर लेते हैं, ठीक, अल्कोहल और ये सब चीज़ भी होती क्या होती, गर्म, ठीक, ये भी दवाओं में पड़ती है, अल्कोहल भी दवाओं में पड़ती है, लेकिन वो प्राकृतिक अल्कोहल होती है। ये जो अल्कोहल नशे के लिए लोग पीते हैं ये भी अगर दवा की तरह पी जाए तो फ़ायदा करती है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि अल्कोहल में ही, दारू में, गांजे में, भांग में शुरू से नशा ही करते रहते हैं बचपन। आजकल के तो देखा गया 5-5 साल के बच्चे सिगरेट पीने लगे हैं, बीड़ी पीने लगे हैं, तो आगे चल के क्या होता है उनके लीवर पे और गुर्दे में, ये भी देखा गया है कि ज़्यादा फास्ट फूड ये सब चीज़ें खाने से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक। और बहुत से लोगों को इन्फेक्शन की वजह से देखा गया है प्रोटीन पेशाब से आने लगता है, ठीक। अगर इन्फेक्शन है सबसे पहले तो मेरी राय यही है इस मामले पे, तो मैं कहूँगा किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके अपने पहले जांच करवाएं कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक। और गुर्दे की कमजोरी हो जाती है, गुर्दा देखिए ख़राब इतनी जल्दी नहीं होता, गुर्दा ख़राब होने का मतलब है कि आप अस्पताल पहुँच जाएंगे। गुर्दा कमजोरी जब होने लगता है, गुर्दे कमज़ोर होने की वजह से भी क्या होता है, जब बहुत सारी गर्म गर्म चीज़ें आप खाने लगते हो, उस पर आप ध्यान नहीं देते हो, पानी ज़्यादा नहीं पीते हो, योग व्यायाम नहीं करते हो, तो क्या होता है आपके
उस वजह से भी गर्मी जो बढ़ती है, ठीक है, जब लीवर कमज़ोर होने लगता है, गैस भी बनने लगती है, जब गुर्दा कमज़ोर होता है तो उसमें क्या होता है कि किडनी का काम है आपके शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ है पेशाब के द्वारा आप वो गंदगी को बाहर निकालना, ठीक, तो वो काम, वो फिल्टर करना किडनी जो है कम कर देती है जब किडनी कमज़ोर होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कई सारी गंदगी जो है, कई सारी बीमारियां, इन्फेक्शन फैलने लगता है शरीर में, विषैले पदार्थ फैलते हैं, तो उस वजह से भी धात की बीमारी होने लगती है, गुर्दा कमज़ोर होने की वजह से और मसाना कमज़ोर होने की वजह से भी धात की बीमारी होने लगती है, ठीक। तो जो भी भाई इस बीमारी से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, सबसे पहले, और मैं उनके लिए एक दवा लेके आया हूँ, देखिए जो बहुत से भाई होते हैं जो गरीब हैं, ठीक, तो मैं मार्केट की दवा बता रहा हूँ, अगर मैं देखिए ये सब चीज़ें बनाने लगूंगा तो बहुत महंगी पड़ेगी, मार्केट में क्या होता है कंपनी बहुत ढेर सारी दवाएं, और ये सब जो है मशहूर दवाएं, ये देखिए ये है माजून फ्लासफा, ये बहुत ही बेहतरीन दवा है, मैं अपने पेशेंटों को ये यूज़ किसी किसी को करवाता हूँ, अपनी दवा के साथ साथ बाहर की भी दवा का यूज़ करवाता हूँ, लेकिन आयुर्वेदिक, देखिए गुर्दे मूत्राशय पुट्ठों की शक्ति के लिए, ठीक, लेकिन इसका यही काम नहीं है, ये आपके मसाने को भी ताकत देता है, गर्मी भी मसाने की निकालता है, और मूत्राशय देखिए जब ताकतवर होता है, गुर्दा ताकतवर होगा, गुर्दे की क्षमता जब होगी तो आपकी शरीर के अंदर से विषाक्त पदार्थ बाहर आएंगे पेशाब के जरिए, ठीक, और मसाने को ताकत भी मिलेगी, तो आपकी धा और इसका काम ये भी है कि आपके वीर को शरीर में ये बढ़ाता भी है, ठीक। मेन मेन पार्ट देखिए गुर्दा है, लीवर है, आंते हैं, हृदय है, ये सब चीज़ें, अगर कोई भी एक चीज़ बिगड़ जाती है शरीर में तो शरीर में कई बीमारियां होने लगती हैं। तो जो भी भाई परेशान हैं इस माजून फ्लासफा को जो है, और इसकी कीमत देखिए कोई ज़्यादा नहीं है, 70 रुपये मात्र 150 ग्राम, ठीक, जो भी भाई धात से परेशान है, गुर्दे की वजह से, किसी भी वजह से धात हो, तो इसका वो उपयोग जरूर करें, ठीक। जो भाई बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अब इसका क्या है, अगर आप 70 70 140, मान लीजिए 150 रुपये, अगर आप 150 रुपये की आपकी 1 महीने की दवा चल जाएगी, लेकिन यह है कि धीरे धीरे 2 से 3 महीना 4 महीना आपको खाना पड़ेगा, लेकिन ठीक हो जाएंगे। जो भाई गरीब हैं, पैसे से परेशान हैं, अब देखिए अब पैसा नहीं है तो समय लगेगा, देखिए हाँ किसी किसी भाई को ये है, ये बेहतरीन दवा है, ये कम उम्र के लोग भी खा सकते हैं और ज़्यादा उम्र के लोग भी खा सकते हैं, वैसे तो ये ज़्यादा उम्र वालों के लिए है, तो इसमें आपको ताकत भी आती है, ठीक, जब धात आपकी रुकने लगेगी तो ताकत भी आएगी। इसको उपयोग जो है सुबह खाली पेट रात में सोते समय 5 5 ग्राम, और अगर कब्ज की प्रॉब्लम है तो मैंने एक बताया था जवारी जालिनूस, अगर इसके साथ उसका प्रयोग किया जाए, सुबह इसको 1 चम्मच और वो रात में वो आधा चम्मच सोते समय, ये सुबह खाली पेट, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको, ये दवा पचेगी और भूख खाना भी पचेगा जब ये सब चीज़ें पचेंगी, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए देखिए, तो आप देखिए आपकी बीमारी कैसे भागती है। और हाँ जो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उनके लिए इसके साथ जो चाहते हैं कि जल्दी ठीक हो, उनको आराम हो, तो इसके साथ देखिए ये मैंने बनाया है, एक भाई को मैं भेज भी रहा हूँ इसकी, ये मैंने बहुत मरीजों को दिया है, ये जिगर मसाने की गर्मी कंट्रोल करता है, गर्मी पूरी तरीके से, तो लंबे समय तक थोड़ा इसके साथ शरबत बजूरी मौद्दिल के साथ ये लेना पड़ता है, बहुत लोगों पे इसका इफेक्ट आया है, ठीक। मुझे भी एक बार ये दिक्कत होने लगी थी, मेरे स्टोन हो गई थी, तो स्टोन की वजह से मैंने बहुत दवा खाई, गरम गरम दवा खाने की वजह से मेरे गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया था, तो ये दवा मैंने खाई थी, ये दवा मेरा एक हकीम से मैं इलाज उस समय करवा रहा था, बहुत समय पहले की बात है, ये 7 8 साल पहले की बात है, तब मुझे प्रॉब्लम हुई थी, और इस दवा को यूज़ करके ही मेरी धात की बीमारी ठीक हुई थी, मैं 5 7 साल से बीमार था, बहुत इलाज मैंने करवाया, ठीक, तो इसलिए मुझे अनुभव बहुत हुआ, मैं खुद बीमार था, जब देखिए खुद कोई बीमार होता है, मैंने भी बहुत दवा खाई नहीं ठीक हुआ, लेकिन मैंने जिस तरीके से इलाज किया मैं वो बता रहा हूँ, और मैंने पेशेंट को उसी तरीके से मैं इलाज करता हूँ, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी मेरे पेशेंट ठीक होते हैं, ठीक। तो जो भी भाई परेशान है इसका यूज़ करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और देखिए टेंशन में मत रहें, ठीक, अपने शरीर को टेंशन में अगर देखे रखेंगे तो आपको कोई भी दवा नहीं सूट करेगी, खाना भी नहीं लगा, तो खुश रहना सीखें, ठीक, अकेले मत रहें, आध्यात्म में जुड़ें, थोड़ा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, तो इस पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा कि मेडिटेशन से और क्या क्या लाभ होते हैं, मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी होता है, मैंने बताया भी है वीडियो में, लेकिन मैं विस्तार से बताऊंगा,
ठीक कि हस्त मैथुन छोड़ने के लिए जोर दिमाग पे बहुत लोग लगाते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं, कसम खाते हैं। तो इस दवा को अगर कोई भाई साथ में मंगाएगा तो देखिए, इस दवा का प्राइस मैंने पहले बताया, मैंने एक बार गिलोय सत दिखाया था बना के, मुलेठी सत, ये चीज़ें देखिए बनाने में बहुत महंगी मेहनत लगती है, उसमें महंगी महंगी जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं। तो इसका प्राइस 2,000 रुपये मंथली है, मात्र एक महीने में। आप अगर इसका नहीं भी यूज़ करते हैं, जो गरीब भाई हैं मैं उन वो खाली यही यूज़ कर ले, लेकिन जो मंगा सकते हैं दवा, इसके साथ साथ अगर ये दवा मंगवा लेंगे, इसका प्राइस जो है 2,000 रुपये महीने का है। देखिए मैं भाई को भेज रहा हूँ, और 100 रुपये कुरियर चार्ज लगता है। एक महीने में 15 से 10 दिन में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ये दिखा देता है जिसके, यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या लंबी है तो 2 महीना खाना पड़ जाता है बस, इससे ज़्यादा नहीं खाने की ज़रूरत पड़ती है। धात, स्वप्न दोष, जिगर मसाने की कमजोरी, मसाने को भी ताकत देती है, गर्मी भी ये निकालती है, मसाना दिखे जब ताकतवर होता है। और शरबत बुजूरी मोतिल सीरप के साथ लेंगे, जब इसके साथ लेंगे तो आपका गुर्दा, समझ लीजिए धात की बीमारी जिन भी कारणों से होती है, ये सारे किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे हस्त मैथुन से हो, किसी भी कारण से, ये दवा ठीक कर देती है। तो दोस्त मेरे भाई जो नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। और भाइयों, अभी मुझसे कुछ भाइयों ने दवा मंगवाई है, उन्होंने मुझसे कॉल करके दूसरे महीने की भी दवा मंगाई है, उनको फ़ायदा हुआ है, तो उनसे भी एक गुजारिश है कि देखिए वीडियो में आप कमेंट करिए जाके, ठीक, ताकि लोगों का हौसला बढ़े, ताकि और कोई भी भाई, देखिए बहुत से लोगों को जब तक विश्वास नहीं होता है कोई दवा नहीं मंगवाता है, ठीक। तो जो जो भाई ठीक हुए हैं, जिन्होंने हम मुझसे दवा मंगवाया, तो वो जाके कमेंट में बताएं कि हाँ मुझे ये फ़ायदा हुआ, जिस दवा को आपने मंगवाया था उस वीडियो में जाके आप कमेंट करिए, ठीक। धन्यवाद मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मित्रों लाइक कर दिया करिए अगर पसंद हो। धन्यवाद।